तो वो लोग हमको ऐसा बोल रहे हैं कि क्या ये डाइन है, तो हम तो जानबे नहीं कर रहे कि हमको डाइन बोल रहे हैं बोल करके। बाद में पता चला कि वो लोग छुप छुप के जाने लगे। आदिवासी बहुल झारखंड की ये एक ऐसी हकीकत है जिसने हजारों परिवार उजाड़ दिए। महिलाओं को डायन बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने, गांव से निकाल देने या फिर हत्या करने की घटनाएं आए दिन हुआ करती हैं। इसके पीछे आमतौर पर अंधविश्वास, निजी झगड़े या संपत्ति हथियाने की मंशा होती है, लेकिन इसकी वजह से पीड़ित महिला और उसके परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। बातचीत नहीं करते हैं, उस रास्ते पे मैं जाती हूँ तो उनका जैसे ये उनका आंगन है और वहाँ से थोड़ी सी भी इतना दूर है, तुम यहाँ पर क्यों आते हो, ईश्वर के इतना बुरी बुरी गालियाँ हमको देते हैं। ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी अब सदियों पुरानी इस प्रथा को जड़ से खत्म करने में जुट गया है। ये गूंज है गरिमा परियोजना की। इसका मकसद है महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना और उन्हें उनका सम्मान लौटाना। इसके तहत न सिर्फ इस साजिश का शिकार बनी महिलाओं की पहचान की जा रही है, बल्कि उन्हें समाज में मुकम्मल जगह दिलाने की कोशिश भी की जा रही है। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इन महिलाओं को सखी मंडलों से जोड़कर आजीविका के लिए कर्ज और दूसरी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें आजीविका के कम से कम दो साधन दिलाने की कोशिश की जा रही है। डायन प्रथा से ज्यादा पीड़ित रही महिलाओं को 20,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान भी है। ब्लॉक स्तर पर गरिमा केंद्र और राज्य स्तर पर गरिमा कॉल सेंटर भी बनाए जा रहे हैं ताकि पीड़िता का केस आसानी से दर्ज हो सके। महिला समूह में जुड़ के तो एखन मौके बदलाव मोर दिल में ढेरे हल्लुक हल्लक। इस कुप्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के अलावा गांवों में सुरक्षा दल भी बनाए गए हैं जो जरूरत पड़ने पर पीड़ितों की मदद भी करते हैं और लोगों को समझाने बुझाने का काम भी। फिलहाल ये परियोजना राज्य के 7 जिले बोकारो, गुमटा, खुंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम और लातेहार में चलाई जा रही है। इसका लक्ष्य इन जिलों के 2068 गांवों की 5,000 महिलाओं तक पहुंचना है। अप्रैल 2021 में शुरू हुई ये परियोजना मार्च 2023 तक चलती रहेगी, लेकिन डायन प्रथा को मिटाने और हर पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान लाने का ये अभियान अब चलता ही रहेगा।